हेलो गाइस, आज हम स्पाइन गार्ड के बारे में बात करेंगे। स्पाइन गार्ड की सब्जी, जिसे हम कंटोला की सब्जी भी बोलते हैं, ककोरा की सब्जी भी बोलते हैं, इसका प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी रेसिपी देखेंगे और साथ साथ इसका बेनिफिट के बारे में भी चर्चा करेंगे। बेसिकली ये सीजन में आने वाली वेजिटेबल है, ओनली जून जुलाई अगस्त में मार्केट में दिखती है। आजकल हाइब्रिड फॉर्म में भी आ रही है, इसकी खेती कर रहे हैं लोग और इसका इजीली अवेलेबल है मार्केट में। प्रीवियसली तो ये जंगल से ढूंढ के लाना पड़ता था, जंगल में कई पेड़ों पे इसकी वेल रहती थी, वहाँ से तोड़ के लाना पड़ता था, बहुत छोटे साइज में रहते थे और सीजनली मिलता था। आजकल इजीली मिल रहा है, आपको भी आपके मार्केट में मिल जाएगा, मोस्टली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारे इंडिया के कई राज्यों में अभी ये सब्जी अवेलेबल है। आप देख सकते हो, खरीद सकते हो, खा सकते हो, बहुत ही अच्छा सब्जी है। इसके अंदर हमें ढेर सारा प्रोटीन मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है और साथ में विटामिन सी है और विटामिन ए है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन है हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आई हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। जिन महिलाओं को ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है और ब्लॉकेज की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही, उनका ब्लॉकेज खोलने का काम कर सकता है। इतनी अच्छी वेजिटेबल है, डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं, डायबिटीज का जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर ढेर सारा फाइबर होता है और एडेक्वेट अमाउंट में प्रोटीन होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है और साथ में विटामिन ए और विटामिन सी का जो कॉम्बिनेशन, ये डायबिटिक पेशेंट को बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये डायबिटिक को मेंटेन करने में या रेशो को कम करने में भी बहुत कारगर है, अच्छा सब्जी है, आप खा सकते हो। जिनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, वो किडनी स्टोन को फ्लश आउट करने की क्षमता ये सब्जी रखती है। इन स्पाइनी गार्ड के जो पत्ते है या सीड्स है या ये जो वेजिटेबल है, इसके ढेर सारे बेनिफिट्स है। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है प्रोटीन का और फाइबर का और कार्बोहाइड्रेट का और साथ में विटामिन सी और विटामिन ए। तो इसका प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी रेसिपी देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं। जनरली क्या होता है, हम अगर कोई सब्जी बना रहे हैं और आप सपोज कंटोला की सब्जी बना रहे हैं या ककोरा की सब्जी बना रहे हैं और आप उसको पाव भाजी का सब्जी का फ्लेवर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। हर सब्जी का अपना एक फ्लेवर होता है, अपना एक यूनिक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आपको बरकरार रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हमने आज जो रेसिपी बनाई है बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, कुछ नहीं। आपको जस्ट एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसके साथ जीरा पाउडर डालनी है और या जीरा, आखा जीरा यूज़ कर सकते हैं, हमने आखा जीरा यूज़ किया है। बाद में थोड़ा सा आपको ओनियन डालना है और इनको थोड़ा सा साउट करना है। साउट होने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा चटनी डालेंगे और हल्दी डालेंगे और टेस्ट के लिए नमक डालेंगे। बाद में ये जो हमने ये स्पाइन गार्ड लाए थे, हमने ककोरा लाए थे, ये कंटोला लाए थे, इनके हम टुकड़े कर लेंगे, खाने लायक टुकड़े बना लेंगे और इसको हम इसके अंदर डाल के साउट करते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे। हमें मोस्टली ये ड्राई सब्जी बनाना है, कंटोला को वाटरी सब्जी नहीं बनाते हैं, मोस्टली ड्राई फॉर्म में ये अच्छा लगता है। ड्राई सब्जी बनाएंगे और इसको एक बहुत धीमी आंच पे आपको पकाना है। अगर किसी को लग रहा है भी खाते समय इसकी सीड जो होते हैं दांतों के अंदर आ जाती है और दांतों को तकलीफ होता है, जिनको लाइक टीथ पेन है या कुछ इश्यू है टीथ रिलेटेड, वो लोग इसका सीड्स निकाल के इसका प्रिपरेशन बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं और हो सके तो इसको थोड़ा ड्राई और वेरी लेस ऑयल वेरी लेस सॉल्ट में बनाना है। और इसका जो फ्लेवर है, यूनिक फ्लेवर, इसकी जो यूनिक टेस्ट है, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। आप चाहे तो थोड़ा टेस्ट के लिए इसके अंदर आप थोड़ा मसाला डाल सकते हैं, गर्म मसाला डाल सकते हैं, लेकिन हमने मोस्टली इसे बहुत ही प्लेन रखा है और इसको और अच्छा बेनिफिशियल और अच्छा प्रोटीन युक्त या फायदेमंद बनाने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा चना दाल का इस्तेमाल किया। हमने इसके अंदर थोड़ा सा बॉइल्ड किया हुआ, अलग सा बॉइल्ड किया हुआ चना दाल इसके अंदर डाला है। तो ये ककोरा प्लस चना दाल का सब्जी है, दोनों मिला के है। तो इसकी वजह से हमें क्या है, इसके अंदर ढेर सारा फाइबर मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है और साथ में बाकी के मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो बहुत ही सिंपल सब्जी है, बहुत बेनिफिट देने वाली सब्जी है और सीजनरी सब्जी है, बस इसी सीजन में मिलती है और अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप जा सकते हो, ढूंढ सकते हो, ला सकते हो और इसी सीजन में खा सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए सब्जी के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। सो टेक केयर गाइज, ईट हेल्दी, बी हेल्दी, बाय बाय।